नमस्कार मुहूर्त एक डांगर खबर लैसम उपस्थित हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंबाओ बृहत् घोषणा कर आज दिन आटको डांगर घोषणा तो बनमूलिया हम आपनर विद्युत बिल लाख लाख पर विद्युत बिल बनमूलिया हम कूलिया विद्युत लाभ घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आम डांगर खबर आज उपस्थित हुई केंबाओ गेरेन्टी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित हुई प्रधानमंत्री नतुन घोषणा विद्युत बिलक लतुन घोषणा कर प्रधानमंत्री विद्युत बिलक लिया अतिष्ठ हम नागे कूलिया विद्युत लाभ जाना प्रधानमंत्री कोटि कोटि पर दी नागे विद्युत बिल और केन्द्रीय सरकार बृहत् आँचनी घोषणा कर उपस्थित हुई कथा घोषणा कर प्रधानमंत्री बनमूलिया अर्थात शून्य हम आपनर विद्युत बिल विद्युत बिलक लिया अतिष्ठ हा देखी पा गई है बहु लोक और एटार अतिष्ठ हम नागे गेरेन्टी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक कोटि पर दिया हम सोलार एक कोटि पर प्रथम पर्यात सोलार दिया हम और सोलार लाभ कर लोके विद्युत बिल शून्य हम जाना प्रथम अवस्था एक कोटि दरिद्र पर सोलार लाभ सोलार लगवा पर विद्युत बिल बनमूलिया हम आज दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घोषणा करस्थित हुई प्रधानमंत्री नतुन घोषणा केंबाओ जी नतुन घोषणा करबाओ गेरेन्टी दी उपस्थित हुई देशों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यार कोटि कोटि दरिद्र लोक बृहत् घोषणा कर पुनः दरिद्र लोक नतुन आँचन हाथ ला पर केन्द्रीय सरकार और यार विद्युत बिलक लृहत् घोषणा कर विद्युत बिलक लेन्द्रीय सरकार नतुन आँचन हाथ लैसे जी आँचन जरिए लाख लाख पर विद्युत बिल बनमूलिया हम लोग जिमान विद्युत खरच कर एटकाओ विद्युत दी नागे और इतिम्य जीत महिला बृहत् घोषणा कर आज दिन एक कोटि पर सोलार रूप दियार कथा आज दिन घोषणा कर सोलार रूफटॉप पेनेल लगवा हम एक कोटि पर बसगृहर ऊपर बिजुलीर बिल बनमूलिया काम बीजेपी सरकार एक कथा आज दिन घोषणा कर बिजुली बिल सन्दर्भ बृहत् घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक नतुन घोषणा कर बिजुलीर बिल बनमूलिया शून्य एक बिजुली बिल शून्य बीजेपी सरकार एक बृहत् आँचन हाथ लैसे जी आँचन जरिए प्रथम पर्यात एक कोटि दरिद्र पर आँचन सुविधा लाभ परवर्त पर्यात देशों कोटि कोटि लोक यह सुविधा लाभ सोलार पेनेल जरिए आपनर विद्युत बिल शून्य हम गई है जीतु बहु विद्युत बिल अहार बे दरिद्र लोक अतिष्ठ हो विद्युत जिमान खरच कर खरच कर विपरीते हजार हजार टका विद्युत बिल दीलिया कि आज दिन उपस्थित हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक कथा घोषणा कर एक नतुन घोषणा कर जीतु प्रधानमंत्री सभा आज दिन हजार हजार लोक उपस्थित हुआ देखने पा गई है और हजार हजार लोकर सम्मुख आज दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंबाओ गेरेन्टी प्रदान कर आटाइको डांगर गेरेन्टी तो विद्युत बिलक लद्युत बिलक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नतुन घोषणा लाख लाख पर विद्युत बिल शून्य हम कूने विद्युत बिल कार कार विद्युत बिल शून्य हम कूने कूने आँचन सुविधा लाभ आज दिन बृहत् लोकर सम्मुख बृहत् जनसभा सम्मुख बृहत् घोषणा कर देशों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंत्य तो प्रथम आगे हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब हम बिजली का बिल आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा। साथियों, मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में
जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहने लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ बहने जब लखपति दीदी बनती है ना, तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों। अब इस बजट में हमने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसका लाभ असम की मेरी हजारों लाखों बहनों को भी जरूर होने वाला है। यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं, और इतनी बड़ी माताएं बहनें यहां आई हैं, जरूर उसमें भी मेरी लखपति दीदी आई ही होगी। हमारी सरकार इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी अब आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। इससे उन्हें भी अब 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। जब बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो, संवेदनशीलता से काम होता है। भाइयों और बहनों, मोदी जो गारंटी देता है ना, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक करने का हौसला भी रखता है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आज असम में देखिए, सालों साल से जो इलाके अशांत थे, वहां अब स्थायी शांति स्थापित हो रही है। राज्यों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद यहां 10 से ज्यादा बड़े शांति समझौते हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है। मैंने कई वर्षों तक आसाम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है। मैं यहां हर इलाके में घूमा हुआ इंसान हूं, और मुझे याद है उस समय जाने आने में एक रुकावट ये होती थी कि रोड ब्लॉक के कार्यक्रम, बंद के कार्यक्रम और गुवाहाटी तक के अंदर बम ब्लास्ट की घटनाएं मैं अपनी आंखों से देखता था। आज वो भूतकाल बनता चला गया है दोस्तों। लोग शांति से जी रहे हैं। असम के 7,000 से ज्यादा नौजवानों ने भी, आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों को, महिलाओं को, युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित थे।
আর আপনাদের মন্তব্য শুনলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আজি হাজার হাজার লোকের সম্মুখ কেবাটাও বৃহৎ ঘোষণা করেছে, কেবাটাও গ্যারেন্টি দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর কেন্দ্রীয় সরকারে এক নতুন আঁচনি হাতত লৈছে, যে আঁচনির জড়িয়ে প্রথম পর্যায়ত এক কোটি লোক সামরি লওয়া হব। আর যখন লোকে সেই আঁচনির সুবিধা লাভ করে বিদ্যুতের বিল বহু পরিমাণে কম হব বলে জানাইছে। বিদ্যুতের বিল শূন্য হব, অর্থাৎ সোলার রুফটফ প্যানেল লগা হব এক কোটি লোকের বাসগৃহ। দরিদ্র লোকসকলে সুবিধা লব পাৰিব। আর পরবর্তী সময়ত এই আসনির বাবে কেন আবেদন করব আপনাদের সরকারে সেই কথা জানাব, যেহেতু এই আসনির বাবে বিভিন্ন নথিপত্র লাগবে, আপনাদের আবেদন করব লাগবে। আর তারপরেই সোলার রুফটপ প্যানেল আপনাদের লাভ করব। সোলার রুফটপ প্যানেল আপনাদের বাসগৃহ লগার পাশতে বিদ্যুতের বিল শূন্য হয়ে পড়ব বলে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে জানাইছে। আর যার প্রতি লক্ষ্য রাখি কেন্দ্রীয় সরকারে বিদ্যুতের বিল হ্রাস করার উদ্দেশ্যে এই নতুন আসনি হাতত লৈছে। আর কোটি কোটি লোকের বাবে এই মুহূর্তে ভাল খবর, উপস্থিত হয়ে বৃহৎ ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। কেবাটাও গ্যারেন্টি দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, লাখপতি মহিলাক লৈ বৃহৎ ঘোষণা করেছে। আর ইয়ার লগতে এক কোটি লোকক প্রথম পর্যায়ত সোলার রুফটপ প্যানেল দিয়া হব বলে জানাইছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। বিদ্যুতের বিলক লৈ এতিয়াৰ অতিষ্ঠ হব নালাগে, কিয়নো কোটি কোটি পরিয়ালে বিদ্যুতের বিল দিব নালাগিব। আর প্রথম পর্যায়ত এক কোটি লোকক এই সুবিধা প্রদান করা হব। পরবর্তী সময়ত দেশের কোটি কোটি লোকক সামরি লওয়া হব এই নতুন আসনির প্রথম পর্যায়ত। এক কোটি লোকে সোলার রুফটপ প্যানেল লাভ করব। সেই লোকসকলের বিদ্যুতের বিল যথেষ্ট কম হব, শূন্য হব পারে বিদ্যুতের বিল বলে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে জানাইছে। আর সোলার লগা পরিয়ালের বিনামূল্যে বিদ্যুতের বিল হব বলে জানাইছে রাজ্যবাসীর বাবে এই মুহূর্তে ভাল খবর, কিয়নো লাখ লাখ লোকের বিদ্যুতের বিল শূন্য হব। বিদ্যুতের বিলক লৈ যেহেতু বিভিন্ন সময়ত প্রতিবাদ হয়ে আছে, বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধির পাশতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে জনতা, প্রতিবাদ করে আসছিল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্যুতের বিল অধিক অহার বাবে। আর তার মাজতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত হওয়ার পাশতেই এই বৃহৎ ঘোষণা করেছে। দেশের লাখ লাখ লোকের বাবে, লাখ লাখ দরিদ্র লোকের বাবে এই কথা ঘোষণা করেছে, বিদ্যুতের বিল শূন্য হব বলে জানাইছে। আজির দিনটি সর্ববৃহৎ ঘোষণা, উপস্থিত হওয়ার পাশতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বিদ্যুতের বিলক লৈ এই কথা জানাইছে। এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে মন্তব্য, সেই মন্তব্য পুনর্বার আগবাইছো। हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, अब हम बिजली का बिल आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं, अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा। साथियों, मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने